सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। चंदवा रेल लाइन के दक्षिण दिशा में सभी स्कूल कॉलेज हैं। प्रखंड की आधी आबादी रेल लाइन के उत्तर दिशा में बसी है। बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय जाने में प्रत्येक दिन रेलवे का पश्चिम छोर से रेल लाइन पार कर जान जोखिम में डालना पड़ता है। छात्रा दीपांजलि कुमारी, संगीता कुमारी, करिश्मा कुमारी, सानिया कुमारी, समूह कुमारी, छात्र अमृत कुमार, रवि, चंदन कुमार, आकाश कुमार, प्रीतम डे, प्रतीक डे, विवेक भेंगरा व अन्य छात्रों ने बताया कि मालगाड़ी के नीचे से उन्हें निकलना पड़ता है। प्रखंड के प्लस टू हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल, मिडिल पुस्तकालय व कई प्राइवेट के सैकड़ों स्टूडेंट को रोज रेलवे लाइन क्रॉस करना पड़ता है। स्थिति तब और विकराल हो जाती है जब रेलवे ट्रैक पर कोई ट्रेन खड़ी रहती है। उस समय बच्चे व उनके अभिभावक ट्रेन के नीचे से रेल लाइन पार कराते हैं, तब जाकर छात्र छात्राएं स्कूल पहुंचती है। परीक्षा के समय परीक्षा छूट भी जाती है। ऐसे में कभी कभी बच्चों के साथ अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है। लाइन पर कई मालगाड़ियां भी खड़ी रहती है। स्कूल जाने व आने के समय में कई एक्सप्रेस एवं ट्रेन गुजरती है। 10 रेल लाइन और व्यस्तम रेल मार्ग होने के कारण छात्र छात्राओं की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। टोरी जंक्शन स्टेशन पर रेल लाइन पार करने के लिए न ओवर ब्रिज है न ही फ्लाई ओवर। बच्चे व अभिभावकों को रेल लाइन व ट्रेन के नीचे से होकर गुजरना पड़ता है, जो उनकी मजबूरी है। एक फुट ओवर ब्रिज है वो भी कारगर नहीं है। बाजार टांड से हाई स्कूल आने जाने वाले रास्ते में फुट ओवर ब्रिज का निर्माण होने से कुछ स्टूडेंट को थोड़ी राहत जरूर मिली है। अभिभावकों की बात माने तो जान जोखिम में डालकर उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, जो काफी गंभीर मसला है। अभिभावकों को भी परेशानी होती है। स्कूल के समय व छुट्टी के बाद बच्चों को लाइन पार कराने के लिए उन्हें आना पड़ता है। प्रतिदिन 200 से अधिक बच्चों को लाइन क्रॉस करना पड़ रहा है। माकपा के वरिष्ठ नेता अयूब खान की बात माने तो लाखों लोगों के लिए जनहितकारी टोरी में स्वीकृत फ्लाई ओवर ब्रिज निर्माण में विलंब के लिए चतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील सिंह जिम्मेवार हैं। सांसद प्रस्तावित टोरी में स्वीकृत फ्लाई ओवर ब्रिज के साथ हैं या खिलाफ हैं, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए, परंतु अफसोसजनक है कि वे कुछ बोलते नहीं। टोरी ब्रिज निर्माण में किसी सांसद का बाधक बनना चतरा के लिए इतिहास है, स्टूडेंट के लिए भी गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रघुवर दास से लेकर रेल मंत्रालय तक चिट्ठी पत्री किए व इसके निर्माण के लिए कई बार आंदोलन भी किए, बावजूद होता वही है ढांक के तीन पार, बावजूद अभी तक ब्रिज का निर्माण न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह टोरी जंक्शन है, यहाँ फुट ओवर ब्रिज अब ब्रिज नहीं होने से यहाँ के जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें काफ़ी असुविधा हो रही है। उन्हें रेल लाइन पार कर स्कूल जाना पड़ रहा है। वह जोखिम में अपनी जान को डालते हैं और फुट ओवर ब्रिज बनने में विलम्ब यदि हो रही है तो इसका जिम्मेदार यहाँ के जो चतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील सिंह हैं वह जिम्मेदार हैं। यहाँ बच्चों को, अभिभावकों को, आम जनता को परेशानी को देखते हुए यहाँ तत्काल ब्रिज बनाने, फ्लाई ओवर ब्रिज बनाने के लिए समुचित कदम सरकार को उठाना चाहिए। आप लोग स्कूल कैसे जाते हैं? रेल लाइन पार करके। आने जाने का साधन नहीं है? नहीं है।
कितना दिनों से यह समस्या है? बहुत दिनों से, हमेशा ऐसे ही आप लोग रेलवे लाइन पार करके जाते हैं?